तरह से पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? ये है बेशरम, बेहया, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तेरी अय्याशियाँ अभी भी चल रही हैं, लेकिन आज के बाद तेरा ये खेल खत्म, समझी? खेल तो मैं तेरा खत्म करूंगी। अगर तुझे लगता है कि मैं बेशरम और बेहया हूँ ना, तो हाँ मैं हूँ, और अब मैं तेरी और गुलामी नहीं सहने वाली, और आज तो मैं तेरा खेल खत्म करके ही रहूंगी। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना वरना क्या क्या कर लेगी तू? वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। क्या कहा? बेड से उठाया था। तो फिर मैंने ये तकिया किससे छीना? मुझे लगता है इस रूम में हम तीनों के अलावा कोई चौथा भी था। नमस्कार, मैं कपिल सोनी क्राइम स्टोरी के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। क्या लगता है आपको यह दृश्य देखकर, कौन है वो जो हम बिस्तरी कर रहे थे? क्या संबंध है उन दोनों के बीच? कौन है वो औरत जो इन दोनों की नजरों में कबाब में हड्डी बन गई थी? क्या लाइट वाकई में गई थी या किसी बड़े हादसे को अंजाम देने के लिए बंद की गई थी? क्या उन तीनों के अलावा सचमुच कोई चौथा भी था वहां? जान किसने ली, युवती ने, युवक ने, या फिर उस चौथे शख्स ने जिसके बारे में संदेह किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, जिसने भी इस औरत की जान ली उसका मकसद क्या है? आइए इन्हीं उलझे हुए सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। माँ, 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 भगवान ने तुम्हारी दुआ सुन ली। आप पहले मिठाई खाओ। मुझे मुंबई में नौकरी मिल गई है। ये तो सचमुच बहुत खुशी की बात है बेटा। कब जाना है? परसों जाना है माँ, मैंने लंदन से टिकट का बोल दिया है। वैसे रंजना कहाँ है? मैं उसको भी बता देता। अरे अजय और बिंदा, तुम दोनों माँ से बात करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ रंजना, बैठो बिंदा, मैं चाय लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। रंजना, हाँ रंजना, तुम्हें कितनी बार कहा है कि दरवाजे बंद करके कपड़े पहना करो। अरे क्या फर्क पड़ता है, आपके और माजी के अलावा यहाँ पे है ही कौन, और आज से कैसी शर्म। हाँ लेकिन फिर भी ये हुक बंद कर दो प्लीज, बहुत टाइट है, बंद ही नहीं होता मुझसे, प्लीज करो ना। ओफो, तो मानोगी नहीं, इसे पकड़ो। अरे यार एक बात समझ में नहीं आती, चाची जी हमेशा मुझसे इतना नाराज क्यों रहती है? माना मैं थोड़ा दिल फेक हूँ और थोड़ी लड़कियों से छेड़छाड़ कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कमलेश की बीवी के साथ, रघु की साली के साथ, और वो कल्लू की बिटिया के साथ जो कांड किया था ना तुमने, उससे चाची तो क्या पूरा मोहल्ला जो है खुन्नस खाया तुम पर। अरे यार उस समय तो मेरी मति मारी गई थी, जो ना चाहते हुए भी ये सारे काम हो गए, लेकिन उस बात को तो 3 साल हो गए। लो बेटा चाय। अरे लेकिन तुम अभी जाकर क्या करोगी? अरे पहले मुझे जाने दो, वहां हमारे रहने का खाने का इंतजाम करने दो, फिर तुम चलना। हाँ लेकिन रंजना, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी हमारी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और हम ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं है, और तुमों की मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो।
मैं कोशिश कर रहा था, कब से कोशिश कर रहा था कि मैं इसी शहर में मुझे नौकरी मिल जाए, लेकिन मुंबई मैं क्या करता। लेकिन मन तो तुम्हारा मुंबई जाने को था ना, इसलिए। यार अजय, ये श्यामलाल भाभी को मिठाई खिलाने गया है या मिठाई बनाने की विधि बताने गया है? नो आ गया, अभी पूछ लेता हूँ। एक बात बता, तू अंदर। बताना मत आना बाद में। देखो, मेरे जाने के बाद, मतलब मेरे मुंबई जाने के बाद, अजय और बिंदा तुम दोनों को माँ का ख्याल रखना है। वो तो तुम नहीं भी कहते, तब भी हम दो चार दिन में आकर माँ से हालचाल पूछ लेते। और नहीं तो क्या, वरना दोस्ती का मतलब ही क्या रहा, क्यों बिंदा? और क्या। अच्छा सुनो, मैं तुम दोनों का नंबर रंजना को दे दूंगा। बिल्कुल दे दो, वैसे भी आजकल हालचाल पूछने का जरिया मोबाइल ही है। अरे अजय महाशय, सिर्फ हालचाल नहीं पूछना है, बराबर घर भी आना है। हा? अरे नहीं नहीं बेटा, किसी को घर आने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ ठीक है माँ, लेकिन माँ इमरजेंसी में जरूरत पड़ने पर ये दोनों ही काम आएंगे। और क्या। अच्छा हाँ चलो यार, मुंबई के लिए कुछ खरीदारी करना है तो कुछ खरीदारी कर लेते हैं अपन, है ना? अच्छा माँ जी। बहू आकर बर्तन ले जाओ। माँ तुमसे खुश तो है ना? उनके सामने मैं घूंघट भी निकालती हूँ, खाना भी बनाती हूँ और उनके पाँव भी दबाती हूँ। एक आदर्श बहू की तरह। लेकिन तुम्हारे सामने ना तो मैं घूंघट निकालूंगी और ना ही मैं चुपचाप बैठूंगी। तो ऐसे लिपट कर सो जाऊंगी। मुझे ना खाने पीने के सिवा और भी कुछ चाहिए। क्या? लाइट तो बंद कर दो। लाइट बंद करने की क्या जरूरत है, माँ जी तो सो गई। मुंबई चले जाओगे तो मेरी दांतें कैसे कटेंगे? मैं रोज रात को तुम्हें कॉल किया करूंगा और रोमांटिक बातें किया करूंगा ताकि तुम्हें मेरी कमी महसूस ना हो। मुंबई जाकर श्यामलाल लगभग एक महीने तक रोज रात को अपनी माँ और रंजना को कॉल करता रहा, लेकिन फिर ये सिलसिला कम हो गया। अब श्यामलाल नौकरी में बिजी ही होने की बात करके महीने में एक दो बार ही कॉल करता, और जब रंजना कॉल करती तो रिसीव नहीं करता, और अगर रिसीव करता तो बिजी होने की बात करके वो फोन काट देता या सीधा ही फोन काट देता। माँ अपने बच्चे की सिचुएशन समझ गई, लेकिन रंजना के लिए अपनी पति के बगैर रातें काटना मुश्किल हो गया। लेकिन बिंदा और अजय, उन दोनों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, उसकी माँ और उसकी पत्नी का हालचाल पूछते, और अगर वो दोनों कुछ भी सामान मंगवाती तो वो दोनों लाकर भी दे देते। अरे आ गए तुम। हाँ ले आए सामान। बहू कौन आए, अंदर भेज दो उसे। चाची जी प्रणाम। हाँ ठीक है। ये आपकी दवाई है चाची जी, रख दो उधर। ये कुछ सामान भाभी ने मंगवाया था, दे हूं? जरूरत नहीं है, मैं अपने आप दे दूंगी, रख दो उसे। कुछ और लाना है चाची जी? नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है प्रणाम। भाभी बिंदा अंदर आ जाओ। भाभी ये जो आपने कपड़े दिए थे ये रेडी हो गए। भाभी मैं बाद में आता हूँ। रुको बिंदा, बिंदा ये हुक ना मुझसे कभी नहीं लगता है, बहुत दिक्कत होती है। बिंदा लगा दो ना इसे प्लीज। मैं हाँ बिंदा तुम और कौन।
बहू, लो बच गया माँ का अलार्म। हेलो, क्या हुआ भाभी? इतनी रात को क्यों फोन किया? सब ठीक तो है? क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बोलो। अभी इसी वक्त घर आ सकते हो? अभी? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, बैठो। पर भाभी, अब बात क्या है? तुम्हारे दोस्त श्यामलाल को यहाँ से गए पूरे 1.5 महीने हो गए, है ना? हाँ भाभी। तो कुछ जिम्मेदारियाँ भी होंगी तुम्हारी, और वो तुम बहुत अच्छे से पूरी कर रहे हो। हाँ भाभी, वो तो निभानी पड़ेंगी ना। तो एक जिम्मेदारी तुम्हें और निभानी पड़ेगी। वो क्या? वो ये कि तुम्हें रोज रात को मुझसे आके मिलना पड़ेगा 10:30 के बाद। पर क्यों भाभी? इतने भोले भी मत बनो। देखो, जैसे एक इंसान को खाने की, कपड़े की जरूरत होती है, वैसे ही उसे किसी और चीज की भी जरूरत होती है। और तुम्हारा दोस्त तो यहाँ है नहीं वो कमी पूरी करने के लिए, समझे? हाँ वो तो है, लेकिन आप... अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। नहीं भाभी, मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर श्यामलाल और चाची माँ को पता चल गया तो? ये राज हम दोनों के बीच में रहेगा। लेकिन भाभी ये गलत है। आपसी रजामंदी से किया गया काम कभी गलत नहीं होता, समझे? वो तो है। रंजना और बिंदा के बीच अनैतिक संबंधों का ये खेल बड़ी खामोशी से परवान चढ़ता गया। श्यामलाल की माँ को इस बात की जरा से भी भनक नहीं लग पाई। यही नहीं, रंजना बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी, और अपनी सास की देखभाल वो और बेहतर तरीके से करने लगी थी। हेलो। हाँ बिंदा, माँ जी ना मंदिर गई हैं, तो तुम फटाफट घर आ जाओ। अभी तो दुकान जा रहा हूँ, रात को आऊँगा। रात को नहीं, अभी मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे बिंदा, अच्छा हुआ यार तू मिल गया। चल श्यामलाल के यहाँ चलते हैं। अगर इसने मुझे वहां रंजना के साथ देख लिया तो मामला बिगड़ सकता है। किस सोच में पड़ गया भाई? कुछ नहीं, वो आज वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। वो चाची और भाभी तो पूजा के लिए गए ना, एकादशी की पूजा के लिए। ठीक है, एक काम कर, मुझे मार्केट तक छोड़ दे, दुकान चले जाऊंगा। मार्केट तो इस तरफ है ना, मैं इधर जा रहा हूँ। ठीक है जा, शाम को तो चलेंगे ना श्यामलाल के यहाँ। मैं फोन करता हूँ ना तुझे। ठीक है। वैसे
लेकिन मैं ये सब करना ठीक नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और माँ जी भी नहीं थे घर पे, तो मैं सोचा क्यों ना तुम्हें बुला लूँ। वैसे एक बात कहूँ, मुझे भी अब तुम्हारे साथ मजा आने लगा है। मेरा तो मन करता है मैं किसी दिन तुम्हारे साथ नहाऊँ। तो चलो फिर आज ही नहाते ना। जी वो बिंदा वो थैला लाना लेना भूल गया था, बस वही लेने आया था। जी चाची मैं जी थैला। इस तरह बेशर्मी से लिपट कर थैला लेने का ये कौन सा तरीका है? दरअसल चाची मैं वो ना तो मैं बेवकूफ हूँ और ना ही अंधी। माँ जी आप बिंदा को गलत समझ रहे हैं कहीं की। अब तू मुझे समझाएगी कि सही और गलत क्या है? और तू श्यामलाल का दोस्त नहीं है, आस्तीन का सांप है सांप। अरे अभी तक तो मैं अजय को बच्चन समझ रही थी, लेकिन तू तो उससे भी दो हाथ आगे निकल गया। चल निकल जा मेरे घर से, जा और आज के बाद कभी मत आना, चले जा मेरी नजरों से दूर। चाची जी माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चाची दफा हो जाए यहाँ से नालायक, जा। और तू, तेरी तो फोटो देखते ही मैंने श्यामलाल से कह दिया था कि इस लड़की के लक्षण बिल्कुल अच्छे नहीं है, जो आज मेरी बात साबित भी हो गई। कुलक्षणी है तो कुलक्षणी। आने दो श्यामलाल का फोन। उस घटना के बाद श्यामलाल की मां ने रंजना पर नजर रखनी शुरू कर दी और साथ ही साथ वो श्यामलाल के फोन का इंतजार भी करने लगे। मामले की नजाकत भाप कर रंजना और बिंदा ने कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया। एक दिन रंजना के कमरे से उसके मोबाइल की घंटी की आवाज सुनाई देती। हेलो हेलो माँ। हाँ बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी बीवी ने जो किया है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या किया उसने? क्या किया है उसने? परिवार के मुख पर काली पोत दी उसने। साफ साफ बताओ हुआ क्या है? दरअसल आज दिन में ना बिंदा घर पे आया था, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे कमरे की लाइट काफी देर तक जली रहती है, क्यों? वो नींद नहीं आती ना तो किताब पढ़ती रहती हूँ। पाँव दबा दूँ आपके? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, जाओ जाकर सो जाओ।
ये तो कह रही थी कि किताब पढ़ती रहती हूँ, पर किताब तो मिली नहीं यहाँ पर। क्या करने के लिए आई थी? हेलो माँ, हॉस्पिटल गई हैं। कम से कम 2-2.5 घंटे लगेगा। मैं नहीं आ पाऊंगा। प्लीज रंजना, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है। हेलो, हाँ अजय, तुम घर पे आ जाओ अगर फ्री हो तो। ठीक है, आता हूँ। ठीक है, आ जाओ। चाची जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रंजना ने तो कहा था कि डॉक्टर के पास गई होगी। कहाँ हो तुम अजय? मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक जगह चाची जी ऐसे खड़ी हैं जैसे किसी का इंतजार कर रही हूँ। इसका मतलब बुढ़िया ने डॉक्टर के पास जाने का सिर्फ बहाना किया था। खड़े होकर ये देख रही है कि यहाँ पर अभी भी कोई आता जाता तो नहीं। ठीक है अजय, तुम ऐसा करो, ठीक है? ठीक है। अच्छी तरह से पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जा, वरना वरना क्या क्या कर लेगी तू? वरना मैं तेरी जान ले लूंगी। क्या कहा? इस वक्त यहाँ कौन आया होगा? Thank you.
आपने अपने एक गुनहगार पत्नी को गिरफ्तार करवा कर कानून की जो मदद किया है उसके लिए शुक्रिया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आप अपनी पत्नी को बचा सकते थे बिंदा पर इल्जाम लगा के। हाँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन यह औरत मेरी पत्नी होने के लायक ही नहीं है। यह तो जेल की सलाखों के पीछे सजा काटने के लायक है, क्योंकि यह औरत चरित्रहीन ही नहीं बल्कि मेरी मां की कातिल भी है। चाची जी का खून रंजना ने नहीं किया सर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? है ना, जैसे ही रंजना कल रात को तकिया लेकर चाची की तरफ बढ़ी थी उनका गला घोटने के लिए, लाइट चली गई थी। तुम्हारे हाथ में तकिया कहां से है? तुम भी इसे मारना चाहते थे क्या? मैं तो तुम्हें रोकना चाहता था, तभी तो तुमसे तकिया छीना मैंने। तकिया? ये तकिया मेरे पास तब से जब से मैंने इसे बेड से उठाया था। तो फिर ये तकिया मैंने किससे छीना? मुझे लगता है इस रूम में हम तीनों के अलावा कोई चौथा भी था। लेकिन यहाँ कौन आ सकता है? हो सकता है कोई तुम्हें, मुझे या इन्हें मारना चाहता हो। इसीलिए मैं कहता हूँ सर, चाची जी का खून रंजना ने नहीं किसी और ने किया है। पुलिस को गुनहगार पकड़ने में देरी हो सकती है, गलती नहीं। सच ये भी है कि उस रात चौथा आदमी भी था, और ये अजय रंजना ने फोन करके बुलाया था। हाँ, मैं भी रंजना की जिस्म का सुख भोगने के लालच में आ गया था, लेकिन कल रात जब मैं वहां पहुंचा तो तुम और रंजना बिस्तर पर, उसके बाद अचानक दरवाजे पर किसी ने खटखटाया और मैं डरकर वहां से भाग गया। आज सुबह जब श्यामलाल ने मुझे फोन किया तो मुझे पता चला कि कल रात चाची जी की जिंदगी की आखिरी रात थी। तुम्हारे हाथ में तकिया कैसे आया? बताओगे या भुलवाऊं? सर एक दिन मेरी अजय से मुलाकात हुई। यार सच बता, तेरे और रंजना के बीच शारीरिक संबंध है ना? नहीं तो? झूठ मत बोल, उसने खुद बताया मुझे। हाँ, लेकिन शुरुआत उसी ने की थी, मैंने कुछ नहीं किया। अजय किसी को बताना मत। अरे बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन तू भी किसी को मत बताना। क्या? यही कि उसके और मेरे बीच भी वही शारीरिक संबंध है। इसका मतलब तुमने श्यामलाल की बीवी को भी फंसा लिया? नहीं 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 नहीं, मैंने उसे नहीं फंसाया, उसने मुझे फंसाया। जब तुमने वहां जाना बंद कर दिया ना, तब उसने मुझे बुलाना शुरू कर दिया। चल मिलते हैं। और मुझे रंजना की मतलब परस्ती खड़ गई, और मैंने सोचा कि मैं इसे ठिकाने लगा कर रहूंगा। फिर कल रात को इसने अपनी सास को मारने का प्लान बनाया। तब मैंने सोचा कि जो औरत अपनी अय्याशी के लिए अपनी सास को मार सकती है, वो मुझे भी मार सकती है। और मैंने उसी वक्त तय किया कि मैं इसे अभी ठिकाने लगा दूंगा। और लाइट जाने के बाद मैंने फुर्ती से तकिया उठाया और मैं इसकी तरफ जैसे ही बढ़ा, लाइट आ गई थी। मैं इसको वैसे ही मारने वाला था जैसे इसने चाची माँ को मारा, लेकिन लाइट आ जाने की वजह से मेरा प्लान धरा का धरा रह गया। और मैंने कमरे में चौथे शख्स के होने का बहाना बनाया। ले चलो इन्हें। गुनाह किसी भी तरह का हो, छुप कर किया जाए या फिर खुलेआम, कानून और समाज की नजरों में बुरा ही होता है, और हर गुनहगार को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए।
रंजना अगर अपने शरीर की भूख पर काबू पा लेती तो ना उसे अपनी सास का खून करना पड़ता और ना ही जेल जाना पड़ता। इस गुनाह से दो नुकसान हुए। पहला, पति पत्नी का रिश्ता टूट गया। दूसरा, तीन गहरे दोस्तों में हमेशा हमेशा के लिए दरार पैदा हो गई। आइए हम इस गुनाह से सीख लें और दूसरों को भी ऐसा गुनाह करने से रोकें। इसी के साथ मैं कपिल सोनी आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।